अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सटाइल कॉर्नर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप लोगों को आइडियाज़ दिखाऊंगी, क्रोकेट एंड लेस आइडियाज़ हैं डिफरेंट टाइप्स के, कि अगर आप लोगों ने लेस लगानी है या अपनी डिज़ाइनिंग किसी टॉप में या किसी शर्ट में करनी है तो आप लोग डिज़ाइनिंग किस तरह करें, अगर आपने रीन्यू करने हैं अपनी कोई शर्ट या टॉप डिज़ाइन तो आप उसको रीन्यू किस तरह करें। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको उसके आइडियाज़ दूँगी। ये देखें, स्लिप डिज़ाइंस हैं, उसके साथ आप ये लेस लगा सकते हैं, इस तरह नेक पर एंड स्लिप्स पर लगा सकते हैं। ये देखें व्यूअर, डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़ हैं और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। देखें व्यूअर, बैक पर आप इस तरह से लगा सकते हैं, नेक पर लगा सकते हैं, स्लिप्स पर, दामन पर, साइड में, हर तरह के इस वीडियो में मैंने आइडियाज़ रखे हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो व्यूअर्स, वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहें। ये देखें स्टेप के साथ, और देखें नेक पर लगे हुए फूल काट के आप लगा लें, या पूरी इस तरह से क्रोकेट अगर आपके पास लेस पड़ी है तो वो लगा सकते हैं, डिज़ाइनिंग बना सकते हैं प्यारी सी स्टाइलिश सी। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करें, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें मेरे, आपको उसमें टॉप डिज़ाइन, शर्ट डिज़ाइन और ब्लाउज डिज़ाइन, हर तरह के डिज़ाइन नजर आएंगे, बैक डिज़ाइन भी होंगे, फ्रंट भी होंगे, नेक भी होंगे, स्लिप्स भी होंगे, दमन भी होगा और साइड में भी होंगे। देखें साइड में इस तरह से आप लगा सकते हैं, बैक पर इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, और ये देखें नेक डिज़ाइन, बैक नेक डिज़ाइन बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं, बैक शर्ट बनानी हो तो ऐसे बना सकते हैं, हर तरह के डिज़ाइन हैं। तो भी बस मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अब मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।